वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का ये सेपरेट एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि बैलेंस शीट के हमें कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं और किस तरीके से हमें इसे पुट करना है, वैल्यूज कहाँ पर क्या पुट करनी है। फिर हम टोटल एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का न्यूमेरिकल करते समय हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट अकाउंट में फॉर्मेट के कुछ नहीं होता, मतलब विदाउट फॉर्मेट के अकाउंटेंसी में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ फॉर्मेट है आपका लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। लाइबिलिटीज साइड मींस आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट है और राइट हैंड साइड आपका हमेशा क्रेडिट है। जिस तरीके से लेजर में हमने ये देखा कि ट्रेडिंग और पी एंड एल में सारे एक्सपेंसेस हमारे कहाँ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड गए, और सारी जो इनकम थी वो हमारी किस तरफ गई है, राइट हैंड साइड गई है। तो हमें ये देखना होगा ये बैलेंस शीट बनाते समय कि लाइबिलिटीज क्या है, हमारी एक्सपेंसेस नहीं है पर हमें इन फ्यूचर हमें इसे फुलफिल करनी है, हमारी लाइबिलिटीज है ये, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ये, और एसेट्स हमारे पास मतलब ये अमाउंट है आज, मतलब ये एक इनकम है। तो इस बेस पर भी हम याद रख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमें लाइबिलिटीज लिखना है और राइट हैंड साइड एसेट्स लिखना है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में फर्स्ट ऑफ हमारी लाइबिलिटीज क्या होती है, हमारी लाइबिलिटीज होती है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जो हमारी इन्वेस्ट हुई है बिजनेस के अंदर, ये कैपिटल का अमाउंट हमें हमेशा अपने बिजनेस में रखना ही है। हमारी कैपिटल कितनी है, 2,50,000। ये सब आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। इसमें हम अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे कि हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई है, अगर बाय चांस आपका नेट लॉस है तो आप इसे माइनस करेंगे। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया, तो हम ऐड नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट है 70,000। तो हमारे पास ये अमाउंट कितना आ गया, 3,20,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे ड्रॉइंग को, क्योंकि हमारे पास ड्रॉइंग दी हुई है नहीं न्यूमेरिकल में, तो ड्रॉइंग को हम माइनस कर देंगे। ड्रॉइंग है क्या, ड्रॉइंग वो अमाउंट है जो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हुआ है बिजनेस के अंदर से, तो उतनी कैपिटल हमारी रिड्यूस हो जाएगी। अब हमें उतना ये 12,000 हमारे कैपिटल में अमाउंट नहीं है, है ना, इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा कैपिटल का, 3,08,000 हमारा ये टोटल अमाउंट है कैपिटल का। फिर लाइबिलिटीज में हम देखें कि क्या है, बिल्स पेबल हमारे आते हैं लाइबिलिटीज में, तो बिल्स पेबल हमारे कितने दिए हुए हैं, बिल्स पेबल हमें दिए हैं 2,000। फिर क्रेडिटर्स, अगर हमें क्रेडिटर्स कितने दिए देखें हम न्यूमेरिकल में, तो 25,000 हमें क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स क्या है हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स, बोथ आर द सेम वर्ड, सेम वर्ड है। और यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, टू और वाई हमें नहीं लगाना है। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट नॉट द अकाउंट, इसलिए हमें टू और वाई नहीं लगाना है। तो क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स वो है जिनसे हमने परचेज किया था क्रेडिट में, क्रेडिट में हमने उनसे परचेस किया, उनको एट अ टाइम हमने पैसा नहीं दिया है, इन फ्यूचर हमें देना है, तो हमारे क्रेडिटर्स कितने, 25,000। देन हमारी लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, हमारी लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस के लिए है, तो हम उसे लिख लेंगे, अमाउंट कितना है आपके पास, 10,000 है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स हमारी जो लिमिट थी उससे ज्यादा हमने विड्रॉ किया है बैंक से, तो इन फ्यूचर हमें उसको पे करना है, तो बैंक ओडी भी हम बोलते हैं इसे, बैंक ओडी कितना है आपका, 13,000। अब एसेट साइड देखें कि हमारे पास क्या क्या आएगा, तो टोटल फिक्स एसेट्स हमारे पास कितनी दी हुई है, फिक्स एसेट्स हमको दी हुई है यहाँ पर 2,00,000। 2,00,000 में उन्होंने बोला है कि हमारा डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन कितना है, 10%, मतलब 20,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट वो होता है कि जो आपकी फिक्स एसेट्स थी उसमें कुछ ह्रास हो गया, मतलब कमी आ गई है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, जो डिक्रीज हुई है हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कि भाई अब हमारी अगर मशीनरी की वैल्यू 2,00,000 रुपीज थी,
अब उसमें 10% डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया है, तो अब हमारी क्या वैल्यू बची? 1,80,000। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या, हमारे पास एक्सेस कैश था तो हमने उसको क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, फिक्स एसेट्स में कर दिया, या हमने मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ शेयर परचेस कर लिया, एफडी कर दी, वॉट एवर, हमने जिसमें भी इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 15,000। देन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक जो स्टॉक हम ओवरऑल पूरे ईयर में ट्रेडिंग करते हैं उसका लास्ट डे मीन्स 31 मार्च को टोटल जो हमारे पास स्टॉक बचा है वो हमारा कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का हमारे पास क्या दिया है अमाउंट, 20,000। देन डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं? जिस तरीके से हमने अगर परचेस किया और क्रेडिट में परचेस किया, अभी हमने कैश नहीं दिया, इन फ्यूचर हमें देना है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए जिन्हें हमें पैसा देना है। ऐसे ही डेटर्स जिनको हमने सेल तो किया है पर कैश में नहीं किया, हमने किस में किया है, उसे क्रेडिट में किया, तो क्रेडिट में अगर हमने किया है तो उसका अमाउंट आज नहीं तो कुछ टाइम बाद हमें मिलेगा, तो उसका कितना अमाउंट दिया हमें, 21,000। ओके, बिल्स रिसीवेबल, ये अमाउंट आपका बिल्स रिसीवेबल का है और 52 आपका डेटर्स का है। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं या बिल्स पेबल क्या होते हैं? क्या होता है कि हमने हमारी गुडविल के बेस पर किसी को से परचेस किया कि हमारी गुडविल बहुत अच्छी है, क्रेडिटर्स हमने डेवलप कर लिए कि भाई आज नहीं हम आपको कुछ टाइम में बाद पैसा दे देंगे, तो हमने अपने गुडविल के बेस पर उससे परचेस कर लिया। इसी तरीके से हमसे कई लोगों ने हमसे परचेस किया होगा तो वो हमारे डेटर्स डेवलप हो गए, पर कभी कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडर्स के पे कि हमने उनसे बिल लिखवा लिया कि हम इतने ड्यूरेशन के बाद आपको पेमेंट कर देंगे। अब जो बिल लिखवाया है उसमें क्या करेंगे हम, उससे अगर हम वो डेटर्स हमें नहीं देते हैं बाई चांस और मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बैंक में लगा सकते हैं उस बिल को और उसके बिहाफ में हम पैसा ले सकते हैं। तो बिल्स अगर हमने लिखकर किसी को दिया है तो वो बिल्स पेबल है, और किसी से हमने बिल लिखकर लिया हुआ है तो वो बिल्स रिसीवेबल है। तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हमारा 21,000 है और हमारे डेटर्स का अमाउंट है 52,000। ओके, अब कैश, विदाउट कैश तो हमारे बिजनेस में कुछ नहीं होता, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट्स है। तो कैश अगर एक हो सकता है कि कैश आपके पास हैंड में हो, इन हैंड हो, हैंड मतलब जो हमारे पास कैश अवेलेबल है, अमाउंट क्या है हमारा, 40,000। और एक कैश होता है हमारा एट बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर रखा है हमने कैश को, उसका अमाउंट हमारे पास कितना है, 30,000। तो हमने 30,000 लिखा। अब इन दोनों साइड का हम टोटल लगा लेंगे कि हमारा एसेट्स का टोटल कितना है, लायबिलिटीज का टोटल क्या है, दोनों का टोटल लगाते हैं हम 3,58,000 हमारा यहाँ लायबिलिटीज का टोटल बन रहा है। अब एसेट्स का हम टोटल देख लेते हैं कि हमारा एसेट्स का क्या बन रहा है, ये भी हमारा सेम टोटल बन रहा है। इस तरीके से हमारी लायबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल इक्वल आ गया, इक्वल आया है मतलब हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। टैली होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर टैली नहीं हुआ मतलब हमारा कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, उसे देखना होगा हमें। तो बैलेंस शीट का पर्पस यही है कि ये दोनों अमाउंट हमारे इक्वल आए, हमारे एसेट्स के और लायबिलिटीज के, क्योंकि हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी हमारे पास एसेट्स होना चाहिए, हम उसको पे करने की कैपेसिटी में होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।